मैंने सोचा अपने भाइयों को बहनों को ये मैं लखनऊ का बहुत अच्छा प्लेस दिखाऊं। बहुत ही प्यारा जगह है और इस जगह का जो नाम है वो है रतनखंड का पार्क। और इस पार्क में कई खासियत है, मैं अलग-अलग आपको यहाँ इस जगह के बारे में बताऊंगा कि यहाँ की क्या खासियत है। ये आप एंट्री देख रहे हैं, यहाँ से छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे आ सकते हैं और ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और ये मेरी ही फैमिली है और ये मेरे तीनों बच्चे हैं और हम लोग यहाँ घूमने आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेस मैंने देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या घूमने का नज़ारा है और यहाँ की खासियत अलग-अलग है। जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये तस्वीर जो दी है वो रात की तस्वीर है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे हरा भरा चारों तरफ पेड़ और ये देखिए बच्चे जो है रेलगाड़ी जैसा बना के चैनल, एक डिब्बा दूसरा डिब्बा तीसरा डिब्बा ऐसे करके दिखा रहे हैं। यहाँ खेलने के उद्देश्य से भी अच्छा पार्क है और अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इस पार्क में क्या क्या खासियत है। यहाँ देख सकते हैं कि आप खेलने से लेके व्यायाम से लेके कई तरीके से अपना मनोरंजन आप भली भांत पूर्वक कर सकते हैं। और ये नज़दीक है, आप जो है लखनऊ में बंगला बाजार के बगल में जो है ये रतनखंड है, शारदा नगर में आता है रतनखंड, रतनखंड में ये पार्क है। बहुत बड़ा पार्क है, काफ़ी अच्छा पार्क है। यहाँ की खासियत अलग अलग है, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या यहाँ की खासियत है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कितना इंजॉय यहाँ कर सकते हैं। तो आप अगर जब भी आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ इस जगह पे आप जरूर घूमने आइएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है और आपको वीडियो दिखाने का भी मेरा मकसद यही है कि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप होंगे, आपकी पूरी फैमिली होगी, यहाँ आकर आप कुछ पल के लिए एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ से ऊपर आएंगे तो ये आप जो बच्चे आ रहे हैं उसके पीछे आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा झील है, तालाब जैसा है और इसमें पानी भर जाता है और यहाँ पे बैठने का भी समुचित जगह है। काफ़ी जगह जगह पे बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है सरकार द्वारा। तो यहाँ देखिए बच्चे बैठे भी हुए हैं और बैठ के भी इंजॉय आप कर सकते हैं, काफ़ी देर तक बैठे सकते हैं यहाँ पे। और अलग अलग जो झील है, झील के अलग अलग क्षेत्रों में आप घूम सकते हैं। ये आप देख रहे हैं झील के ऊपर हैं इस समय हम लोग और झील के किनारे जो है बना है टहलने के लिए आपको। और यहाँ से रात में क्या नज़ारा दिखने को दिखता है, काफ़ी बत्ती और काफ़ी उजाला रहता है और आप यहाँ देख लें और लोग भी टहल रहे हैं। तो मतलब ये है कि जो पार्क है अगल बगल के जो कॉलोनियाँ हैं, मैं बता दूँ आपको कि जैसे रतनखंड है बगल में रुचिखंड है और रजनीखंड है, उधर बंगला बाजार आ गया, एल्डिको है और आसियाना बगल में है। यहाँ पे बगल में काफ़ी चर्चित जगह भी है और बगल में सटा हुआ आपका अंबेडकर विश्वविद्यालय भी है। तो यहाँ पे अंबेडकर विश्वविद्यालय के लगा हुआ ये पार्क है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कई कॉलोनियाँ इस पार्क से सटे हुए हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये बागवानी है और पेड़ को देख रहे हैं बच्चे कैसे हिला रहे हैं, जैसे लग रहा है हनुमान जी जब लंका में गए थे तो वहाँ के बगीचे को झकझोरे थे, इसी तरीके से बच्चे भी इस पेड़ को पकड़ के झकझोर रहे हैं और आपस में खेल रहे हैं। तो आप अगर फैमिली है और आप घुमाना चाहते हैं कि मैं कहाँ घुमाऊं, कि घुमाने का एक बहुत अच्छा जगह है, आप प्लीज़ जब भी आपके पास टाइम मिले तो इस पार्क में आइएगा। ये रतनखंड के अंदर पार्क बना हुआ है और यहाँ के बगल में एक मैरिज लान है, वहाँ शादी विवाह भी होता है। तो ये पार्क दो चीज़ों के लिए फेमस है, पहला तो जैसा मैंने बताया कि आप इस पार्क में टहल सकते हैं और योगा कर सकते हैं और पैदल चल सकते हैं, काफ़ी बड़ा पार्क है तो आप कई राउंड लगाएंगे तो आपका योगा भी हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से योगा का अभ्यास कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं शाम में भी कर सकते हैं। ये देखिए बच्चे जो है नाइट में पेड़ों का आनंद ले रहे हैं और यहाँ पे सुबह में भी बहुत भीड़ होती है, लोग योगा करते हैं। और जैसा मैंने आपको तालाब दिखाया था कि उस तालाब में उस झील में पानी भर जाता है जिससे काफ़ी सुंदर तालाब देखने को मिलता है। तो जब भी आपको मौका मिले आप अपनी फैमिली लेके जरूर आएँ, मैं अपनी फैमिली लेके गया हूँ। यहाँ से देख सकते हैं बच्चे जो है योगा कर रहे हैं
और योगा करने का भी अच्छा साधन है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी और लंबी सड़क है, रोड है, देख रहे हैं आप कि यहाँ पे दौड़ सकते हैं आप पैदल, और ऐसे दौड़ भी सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं और बैठ के योगा भी कर सकते हैं। यहाँ पे कई तरीके का एक तरीके से मनोरंजन के साधन है यहाँ पे उपलब्ध, और जो प्रकृति है उसके साथ है, मतलब कि पौधे भी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। बगल में आप जो है यहाँ से आलमबाग जा सकते हैं, और बगल में आप जो है उतरेठिया रायबरेली रोड जा सकते हैं, यहाँ से आप चारबाग भी जा सकते हैं, कानपुर रोड जा सकते हैं। यहाँ से कई तरफ रास्ता जाने को आपको मिलेगा। यहाँ से आप जो है आगे बिजनौर जा सकते हैं। तो ये जो रतनखंड है बंगला बाजार में, काफ़ी अच्छे जगह पे रतनखंड बना है। तो आप जब भी टाइम मिले तो यहाँ ज़रूर अपने बच्चों को, अपने फैमिली को लेके आएं, आपको ज़रूर आनंद मिलेगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आप जब भी आएंगे यहाँ पे, सुबह भी आएंगे तब पर भी आपको काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे यहाँ पे, और नाइट में आएंगे तो नाइट में भी आपको यहाँ काफ़ी सुंदर लगेगा, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप यहाँ पे। तो योगा करने का बहुत अच्छा साधन है, घूमने का भी साधन बहुत अच्छा है। तो आपसे मेरा यही वीडियो दिखाने का मेरा पूरा उद्देश्य था कि मैं अपने भाइयों को ये वीडियो दिखाऊं। वीडियो में आप देख के यहाँ का जगह, यहाँ का जो लोकेशन है और जो यहाँ का वा प्रकृति का वातावरण है, काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो आप ज़रूर यहाँ पे एक बार पधारें और यहाँ का जो जगह है, प्लेस है, उसका ज़रूर आनंद लें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर।